जल तू, जलाल तू, आई पलक को टाल तू, जला दू। नहीं नहीं नहीं, जला नहीं, नहीं, नहीं। जली नहीं, ये नहीं अभी। इक्का, तुमने तो कहा था कि तुम गाड़ी में लाई हो इनको। मैडम, वो वेटिंग करते करते उसका भाड़ा बढ़ रहा था, इसलिए हमने छोड़ दिया। पक्का यही है? 100%। ये 100% कहाँ से सीखी तुम? Myself. 2% का आदमी सबसे। ये मिला कैसे? मैं उनकी दुकान पर गई थी। जी बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? ऑफेंस, आप ये लाइन नहीं यूज कर सकते। इस पे महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ का कॉपीराइट है। हैं जी? हैं जी, हैं जी, क्या पटाखा क्या देख रहे हो? पटाखे दिखाओ। हेलो, जाग जाओ, जाग जाओ, नहीं तो बगल में ऐसे दबा के निचोड़ दूंगा। देखो, ये फुलझड़ी नहीं है, सुतली बॉम्ब है, अंदर से फट जाएगी ना तो सबको फाड़ देगी, समझे ना? पटाखे दिखाओ। हाँ हाँ, अरे राजेश, चाय ला रहा है कि बना रहा है? जल्दी आके ग्राहक को पटाखे दिखाओ। आया आया। आ रहा है। ये बताओ, दिवाली तो चली गई, फिर ये पटाखे किस लिए लेने आयो? दिवाली चली गई फिर भी पटाखे बेच रहे हो? पटाखे दिखाओ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ, तुम पटाखे दिखाओ, कहाँ चले गए थे? राजेश, पटाखे दिखाओ इनको, अर्जेंट फोन आया मेरा। हाँ। तुम पीछे घूमो। स्कैन मैच। देखो, थाने का सीसीटीवी खराब नहीं हुआ होता तो अब तक तुम अंदर होते। अब बताओ, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों फंसाया हमें रिश्वत के झूठे इल्जाम में? देखिए मैडम, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे पता भी नहीं है कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अमाओ। देखो, शांति से कह रहे हैं, सच बता दो, फिर कहते हैं हम की हिंसा बुरी बात है। गजब। अभी तो कहां हिंसा पसंद नहीं है। गजब अहिंसा का राह बताई है मैडम। कहा था मैं? सच बता रहे थे तुम? हाँ, सच ये कि मुझे ये सब करने के लिए सेठ की रोटी मलने कहा था। वो सेठ करोड़ी मल, सूदखोर? मैडम सर, ये सेठ करोड़ी मल तो कब से हमारे थाने की जगह के पीछे पड़ा है, मगर नवाब साहब हर बार उसे ये बात कहकर टालते आए हैं कि जिस दिन ये थाना खाली होगा हम ये जगह उसी को बेचेंगे। तो अब ये नालायक इंसान ऐसी जलील हरकत पर उतर आया कि मैडम सर को रिश्वत के झूठे इल्जाम में फंसा कर ये थाना खाली करवाना चाहता है और ये जगह खरीदना चाहता है, हड़प लेना चाहता है। ऐसे कैसे हड़प लेगा? मूंगफली है क्या जो थाना बंद करा देगा? और क्या हम नहीं खड़े हैं क्या सामने मैडम सर के और इस थाने के? हमसे आके निपटे पहले। ऐसे कोई भी ओंगा पोंगा इल्जाम लगाएगा और मैडम सर फंस जाएगी और हमारा थाना बंद हो जाएगा। अम्मा, नहीं होने देंगे हम ऐसा, प्रलय मचा के रख देंगे। थाने का तो पता नहीं, लेकिन एक करोड़ी मल अब जरूर बंद होगा। और ऐसा बंद होगा ना मैडम सर की अगले जन्म में जाके खुलेगा। करोड़ी मल का सच एक्सपोज होगा और वो भी पूरी दुनिया के सामने। जय हिंद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हसीना मलिक पर रिश्वतखोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया। इस थाने को बंद करने का षड्यंत्र रचा गया। हसीना मलिक पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी और अब एंटी करप्शन ब्यूरो हसीना मलिक को कोर्ट ले जाने वाला है। हसीना मलिक के अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए 24 घंटे का समय दिया गया था इन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, जिसमें से केवल 6 घंटे ही बचे हैं।
छह घंटे बाद ना तो ये थाना रहेगा ना ही आप लोग रहोगे और ना ही सच की लड़ाई लड़ने वाला वो फरिश्ता। इन शॉर्ट सब कुछ खत्म हो जाएगा। डोंट वरी सर, छह घंटे हैं हमारे पास और छह घंटे बहुत हैं खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए। मिस मलिक, हमारे डिपार्टमेंट में ईमानदारी और शिद्दत से सच और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले बहुत ही कम बचे हैं। हम उन्हें खोना नहीं चाहते, किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर यह थाना बंद नहीं होना चाहिए। मिस मलिक, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। जय। मीरा, तुम हमारे साथ चलोगी, हम तुम्हें एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस देंगे कि तुम्हें क्या करना है। एक मिनट मैडम सर, आप फिर से विश्वास कर रही हैं? करिश्मा सिंह, नहीं आप... मैडम सर, हमें यकीन नहीं हो रहा है। नहीं, हम इस स्थिति में ही नहीं है मैडम सर कि हम और एक रिस्क ले सके। मात्र छह घंटे बचे आपको बेगुनाह साबित करने में, वो हम नहीं चाहते कि आप बर्बाद करें। अगर ये यहाँ से कहीं जाएगी तो ये सीधा डिपार्टमेंट जाएगी वापस, और हम इसको केस में काम नहीं करने देंगे। हम अपने तरीका से सुलझाएंगे इस केस को। बहुत इसका चूरनगिरी देख लिया हमने। अच्छा, और कैसे करेंगे? सिवाय राजेश की गवाही के हमारे पास कुछ भी नहीं, और बिना सबूत के गवाही का कोई मतलब नहीं होता, ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं। इसलिए हमें जो करना होगा सोच समझ कर करना होगा। बहुत समझदारी से ही हैंडल कर रहे हैं मैडम सर हम, इसलिए आपके सामने अभी आपसे बतिया रहे हैं। अभी तक ना वो अपने पैरों पे खड़ा है वो इंसान, नहीं तो उसको मार मार के ना उसका चूरा निकाल डालते हम अभी तक। आपने सर्च वारंट का बात किया है ना मैडम सर, हम तब तक करोड़ी मल के घर जाते हैं जब तक सर्च वारंट आ जाएगा। सब कानून कायदे से ही होगा मैडम सर, आप हमारी बात समझिए। एक बार बस वो पेपर हमारे हाथ लग जाए जिसमें उस करोड़ी मल ने नवाब साहब से क्या डील किया हमारे थाने को लेकर, बस उसके बाद सारा टंटा खत्म हो जाएगा। मैडम सर, आप ना बिल्कुल लोड मत लीजिए, इस मामले को हम संभालेंगे अपने तरीका से। जय हिंद। जय हिंद। पुष्पा जी, चलिए चीते राजेश को लेकर आओ। मीरा, उन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल करके हमें फंसाने की कोशिश की है, और अब उनका सच तुम एक्सपोज करोगे। ओके मैडम सर। नमस्कार। हम हैं करोड़ी मल, बताइए आप आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हम एसआई करिश्मा सिंह महिला पुलिस थाना आपको थाने के विरोध षड्यंत्र और ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। वारंट है आपके पास हमें अरेस्ट करने के लिए। क्या हुआ पापा, ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं बेटा, वो बस नहीं, हम बताते हैं ना, आपके पूजनीय पिताश्री जो है उन्होंने हमारे थाने में रिश्वत दिया है। इतना ही नहीं है, हमारे थाने की SHO हसीना मैडम, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा है इन्होंने। ये जाएंगे सीधा जेल यहाँ से, समझ रहे हमारी बात को सबके सब? प्रूफ क्या आपके पास कि इन्होंने ऐसा कुछ किया है? प्रूफ इतना बड़ा प्रूफ है, ये दिख रहे हैं सामने जो इंसान खड़े हैं, इनके हाथों रिश्वत भिजवाया है, उससे बड़ा प्रूफ चाहिए आपको? यही है, इन्होंने मुझे रिश्वत लेके थाने भेजा था, यही है वो। अरे हम तो इसे जानते तक नहीं है, कौन है ये हमें नहीं पता। हमने तो पहले ही इस प्रॉपर्टी को रिजेक्ट कर दिया है। आप नवाब साहब से बात कर लीजिए, चार दिन पहले हमारी उनसे बात हुई थी और हमने उन्हें साफ साफ कहा था कि अब हमें इस प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे भी हाथ कंगन को RC क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, जाइए आप नवाब साहब को फोन मिलाइए। अरे एकदम बेकार है ये थाने वाली हवेली, ऐसे खंडर में ना मॉल बन सकता है ना ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और मार्केट वैल्यू जीरो, कौन खरीदेगा ऐसी शमशान जैसी मनुष्य जगह को? मैडम ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। क्या कि ऐसी मनुष्य जगह कौन खरीदेगा? भाई पुष्पा जी, मतलब सही बोल रहे हैं कि चार दिन पहले नवाब साहब को कॉल किए थे और मना कर दिए थे थाना वाला प्रॉपर्टी लेने से। देखिए मैं अपने डैड को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरे डैड इस शहर के एक रिस्पेक्टेड टेस्ट पे बिजनेसमैन है, जिन्हें इस तरह के ओछा काम करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास वारंट है तो दिखाइए, नहीं तो प्लीज लीव, वरना हमें हमारे लॉयर को कॉल करना होगा।
सर्च वारंट आ रहा है, फिर हम कोना कोना छान मारेंगे, कच्चा चिट्ठा निकाल देंगे तुम्हारे ये पिताश्री के कुकर्मों का, समझ रहे हो हमारी बात को? उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पापा का असली चेहरा क्या है। मैडम, हेडक्वार्टर से मैसेज आया है, सर्च वारंट वा कैंसिल हो गया। सब ऊपर वाले का खेल है। अब अगर आपको एतराज ना हो तो हम अपनी बेटी की सगाई की तैयारी पूरी कर लें, बहुत काम बचा है। शुभ अवसर पर आई हैं आप, तो आ ही गई हैं तो खाना खा कर जाइएगा। चलिए जाइए, आप लोग भी तैयारियां कीजिए, जाइए जाइए। सुनो, आज के बाद मुझे ये लोग यहाँ नहीं दिखने चाहिए। जी। तुम लोग क्या देख रहे हो? लड़के वाले आने वाले हैं, जरा जल्दी हाथ चलाओ। तुम्हारा थाना तो हम बंद करवा कर रहेंगे। बहुत बड़ी ईमानदार पुलिस वाली समझती है ना खुद को हसीना मलिक। अब देखो, जिस शहर ने तुम्हें हीरो बनाकर सर पर बिठाया है, वही शहर अब कैसे तुम्हें धक्के मार मार कर यहाँ से निकालता है। इतना बदनाम करेंगे तुम्हें कि मुंह छुपाने तक की जगह नहीं मिलेगी। बस और 4.5 घंटे, उसके बाद गई तुम्हारी नौकरी, फिर तुम्हारी ईमानदारी की दुकान, तुम्हारा ये थाना हमेशा हमेशा के लिए बंद। पूरे 4 करोड़ का नुकसान करवाया था ना तुमने मेरा 3 साल पहले, अब उस नुकसान की भरपाई का टाइम आ गया है, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। मैडम, अब तो पूरा का पूरा पासा उल्टा पड़ गया, अब क्या करें? नहीं, मगर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर उसने थाने की जगह खरीदने का मन बदल लिया है तो फिर मैडम सर को रिश्वत के इल्जाम में क्यों फंसाएगा? हाँ। क्यों खुद का ही नुकसान करेगा इतने ही पैसों का? ये ना पुष्पा जी, दो ही सूरतों में हो सकता है, या तो कोई खुद का फायदा चाहता है या फिर सामने वाले का नुकसान चाहता है। पर इसको दिक्कत क्या मैडम सर से? ऐसा कौन सा दुश्मन है इसका मैडम सर से? कैसे पता लगा इस शैतान खोपड़ी के बारे में? हम एक तरीका है। देखिए, मैं सेठ करोड़ीमल को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो हमेशा अपनी हर बात एक डायरी में लिखता है। अगर हमें उसकी वो डायरी मिल जाए तो हमें पता चल सकता है उसके प्लान क्या, उसके राज क्या है। हाँ, लेकिन वो डायरी का मतलब कहाँ मिलेगा हमको? कैसे? नहीं, इसी घर में। बाबा बाबा, थैंक यू वेरी मच कि तू हमको बता दी कि डायरिया इसी घर में मिलेगा। बेतु डायरिया को खोजने के लिए हम तो ताजमहल निकल रहे थे। अरे, कहाँ मिलेगा इस घर में? वो नहीं पता। अमर सत्यानाश हो तुम्हारा, घर के अंदर कैसे चल रहा? मैडम, हमारे पास एक तरकीब है। ओके, मीरा समझ गई क्या करना है? यस मैडम सर। ओके मैडम सर, 1 सेकंड। होल्ड। क्या हुआ? मेरे खबरी नेटवर्क से खबर आई है कि करोड़ीमल की बेटी की आज सगाई हो रही है। क्या? तो फिर अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। और डिपार्टमेंट के दिए गए टाइम में सिर्फ 3 घंटे 58 मिनट ही बचे हैं। उफ, ये करेंसी। ओके, ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनो। ओके, क्लियर? अब समझ में आ गया क्या करना है? यस मैडम सर। दोहराऊं? नहीं नहीं, प्लीज, जैसा कहा है वैसा जाकर करिए। ओके मैडम सर। मीरा जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बिल्लू जी। क्या कर रही हो तुम यहाँ? चलो बाहर निकलो, वरना मुझे पुलिस कमिश्नर को फोन करना पड़ेगा। मुझे यहाँ से निकालने में आप ही का नुकसान है। मैं हसीना मैडम की तरफ से आपके लिए एक मैसेज लेकर आई हूँ, उसे सुनेंगे तो आप ही का फायदा होगा। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं बस आता हूँ। भाग्यवान, जरा ध्यान रखो। बताइए मैडम, क्या मैसेज है? हसीना मैडम आपसे थाने की प्रॉपर्टी को लेकर डील करने को तैयार है, ये लीजिए, बात कीजिए। ओके, थोड़ा साइड हो जाओ, दिखना मत वीडियो कॉल में। हेलो मिस्टर करोड़ीमल, उम्मीद है आपको हमारा मैसेज मिल गया होगा।
थाने की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डील है वो हम करने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में गंगानगर में हमें एक फ्लैट चाहिए। मैडम सर, आपको दो फ्लैट मांगने चाहिए, डील इक्वल होनी चाहिए। हाँ वही, दो फ्लैट। ठीक है, डील डन। थैंक यू। थैंक यू आपको हमें नहीं, हमारी ऑफिसर मीरा को कहना चाहिए। उन्हीं के समझाने पर हमें समझ में आया आपसे समझौता कर लेने में ही हमारा फायदा है और अकलमंदी भी। जल्द मिलते हैं। जी बिल्कुल। इतनी सी बात 3 साल पहले समझ में आ जाती तो हमें उस वक्त 4 करोड़ का नुकसान नहीं झेलना पड़ता। खैर, अब तो तुम हमारे शिकंजे में पूरी तरह फंस चुकी हो हसीना मलिक, अब तुम्हें तुम्हारी बर्बादी से कौन बचाएगा? शुक्रिया मैडम। मैडम आप बहुत कमाल की हैं, जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर सके आपने कितनी आराम से कर दिया। थैंक यू। अरे हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, कहाँ है वो लड़की, कहाँ है वो मक्कार, वो विश्वासघाती लड़की जिसने हमारे बेटे को धोखा दिया। तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़ कर? अरे आप कहाँ चले गए, कहाँ है वो चुड़ैल, कहाँ है वो लड़की, कहाँ है वो टीचर, कहाँ है टीचर, कहाँ है, मैं उसका सारा शराब पी जाऊंगा। कौन है तुम लोग, निकलो यहाँ से, निकलो। चलो ठीक है, बाहर जाके बैठे। नहीं नहीं हम नहीं, हम नहीं जाएंगे। पहले उस चुड़ैल रवीना को बुलाओ जिसने हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने शादी का वादा किया और अब इससे शादी कर रही है। बुलाओ इस लड़की को, हम शादी नहीं होने देंगे। जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम ये शादी होने नहीं देंगे। हम इधर ही बैठ के शराब पियेंगे, हम पी जाएंगे, हमको चखना चाहिए। रुको, कौन है तुम लोग, कहाँ जा रहे हो? हम तो खाना बनाने जा रहे हैं ना। जाने दीजिए ना। ठीक है, चलो चलो चलो। रुको, कहाँ? हम क्या पासपोर्ट बनाने थोड़ी जा रहे हैं, हम भी खाना बनाने जा रहे हैं। ठीक है जा। ठीक, अब आओ। पापा ये हो क्या रहा है? मांत्र बैठे रोए जा रही है, कह रही मैं बाहर नहीं आऊंगी। तो बेटा, ये लड़की रवीना, तुमने हमारे बेटे को प्यार के जाल में फंसाया है। शादी के वादे दिखाए, बाग में बैठ के गाने गए, अब शादी करने का दिन आया तो मुकर रही है, कह रहे हैं हम आपके हैं कौन। पता है हमारे बेटे ने कितनी बार अपनी जान देने की कोशिश कर दी, रेल की पटरी पर जाकर बैठ गया पर रेल की हड़ताल हो गई, उसने बिल्डिंग से कूदने की कोशिश की तो सीधा स्विमिंग पूल में जाकर गिरा रही है, और उस दिन जहर खा लिया था और पेट की पथरी निकल गई। अरे तो आपका बेटा गया कहाँ? हमारा बेटा अभी खतरों का खिलाड़ी बनकर घूम रहा है, जब देखो तब जान देने की कोशिश करता रहता है। चुप हो जाओ तुम लोग। नहीं चुपूंगे, हम चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को बताएंगे कि तुम्हारी बेटी ये लड़की कितनी बड़ी धोखेबाज है, उससे शादी का वादा करके अब इस लंबे लड़के से शादी कर रही है। देखो बेटा इससे मत करो शादी, चले जाओ, ये तुम्हें भी छोड़कर चली जाएगी। पागलो, बकवास बंद करो, बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत अभी दिखाते हैं, सबूत ये रहा, सबूत। नहीं नहीं हाँ, ये सबूत नहीं है। नहीं नहीं, इनके पास है, ये है सबूत। देखो तुम्हारी बेटी कैसे रंगीलिया मना रही है हमारे लड़के के साथ। पापा, और हमको सबूत नहीं तो हमारे पास है पूरा रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग। ये सब क्या हो रहा है करोड़ी मल जी, कौन है ये लोग, तुम कुछ कर सकती हो, इन्हें यहाँ से बाहर फेंकवा सकती हो। हाँ फेंक सकती हूँ, पर इनके पास प्रूफ है, उसका क्या करेंगे? सॉरी नॉट पॉसिबल, वी कांट हेल्प। अब ये शादी टूट कर ही रहेगी, ह्यूमन टेंडेंसी, एक बार लड़की का नाम बदनाम हो जाए फिर किसी भी अच्छे घर से रिश्ता नॉट पॉसिबल। अब हम क्या करें? वही कीजिए जो आप हमेशा से करते आए हैं, इन्हें रिश्वत दीजिए, दहेज की रकम बढ़ा दीजिए, वो मान जाएंगे। ह्यूमन फिलॉसफी, जो जितना अमीर उतना दूध का धुला, पाप सिर्फ गरीब करते हैं, अमीर बस शॉपिंग करते हैं। अगर पैसे के आगे हसीना मैडम जैसे ईमानदार ऑफिसर का ईमान डोल सकता है तो फिर इनका क्यों नहीं, ये तो शक्ल से ही कमीने लग रहे थे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे कहाँ जा रहे हो, हमें
हमें साफ ग्लास चाहिए। मुर्गा फंस गया। कुछ तो है इसके बारे में जो हमें परेशान कर रहा है, लेकिन हमें याद नहीं आ रहा है। मीरा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। ओके मैम सर। किरोड़ी मल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड मैडम सर। किरोड़ी मल पहले फ्यूचर बिल्डर्स नाम की कंपनी में पार्टनर था। वो लखनऊ से ही अपना प्रॉपर्टी बिजनेस ऑपरेट करता था। फिर 3 साल पहले वो दिल्ली शिफ्ट हो गया। अब वो लखनऊ वापस लौटा है अपने उखड़े हुए बिजनेस की जड़ों को वापस जमाने के लिए। याद आया। 3 साल पहले हमारी जहाँ पर पोस्टिंग हुई थी वहाँ पर हमने इसके इलीगल प्रोजेक्ट को बंद करवाया था, जिसके चक्कर में उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लगभग 3-4 करोड़ का। ये केस भी इनफैक्ट बहुत लंबा चला था और इसने हमें धमकी भी दी थी। हमें याद आ रहा है कि अब एक सही वक्त आने पर हम तो हमारे नुकसान की भरपाई करवाएंगे तुमसे, वो भी ब्याज के साथ। 3 साल के बाद ये बदला लेने के लिए आया है। एग्जैक्टली, यहाँ सिर्फ थाने की प्रॉपर्टी के लिए नहीं आया, ये हमसे बदला लेने आया। रे पकड़िए ना उसको, कीजिए पर्दाफाश। अभी नहीं, सही समय आने पर ये अपना पर्दा खुद फाश करेगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.